दोस्तों, अगर आपसे 2020 में IPOs मिस हो गए हों तो दोस्तों मैं आपको कहना चाहूँगा 2021 बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, 2021 में दोस्तों पूरी काया यहाँ पर पलटने वाली है। 2021 दोस्तों 2020 से भी बड़ा होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसे IPOs आने वाले हैं दोस्तों जो आपको यहाँ से मल्टी मिलियनियर बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसके पीछे का रीज़न है, लॉजिक है, पूरा आपको बताऊँगा। ये 5 स्टार्टअप IPO आने वाले हैं। स्टार्टअप IPOs क्या होते हैं दोस्तों, वो मैं आपको समझाऊंगा वीडियो के दौरान, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा बिना स्किप करें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि 2021 में दोस्तों हम यहाँ पर आपके साथ ऐसे ऐसे वीडियो शेयर करने वाले हैं IPO से रिलेटेड, एंड पूरा स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि ये साल हमारे लिए दोस्तों बहुत ही क्रूशियल और यहाँ पर जो है एक आप कह सकते हैं किस्मत बदलने वाला साल हो सकता है। तो चलिए वीडियो को दोस्तों शुरू करते हैं। तो पहला IPO दोस्तों आने वाला है इधर पॉलिसी बाजार का, जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूं। देखिए, ये जितने भी 5 IPOs है दोस्तों, सारे यूनिकॉर्न IPOs है, मतलब यूनिकॉर्न कंपनीज है, मतलब कि जो कंपनीज 100 करोड़ का वैल्यूएशन यहाँ पर हासिल करने का जो है एक ताज पहन चुकी है। जी हाँ दोस्तों, 100 करोड़ का वैल्यूएशन इन सब कंपनीज का हो चुका है, और हमारे पास अब ऐसा मौका आ रहा है कि हम यहाँ पर, हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कि हम यहाँ पर पैसा लगाएं। जी हाँ दोस्तों, ऐसा मौका देखिए बार बार हर निवेशक को नहीं मिलता, इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ क्योंकि प्राइमरी मार्केट में ही दोस्तों ये सारे IPOs में इन्वेस्ट कर लेते हैं बड़े बड़े लोग, जितना भी पैसा होता है सारा प्राइमरी मार्केट में लगा देते हैं, और ऐसे जो स्टार्टअप्स हैं बहुत बड़े हो जाते हैं उसके बाद हैं जो सेकेंडरी मार्केट में आते हैं, मतलब IPOs के थ्रू आते हैं हमारे लिए, हम जैसे रिटेल निवेशकों के लिए। तो अब ये मौका यहाँ पर आ रहा है, क्योंकि दोस्तों अभी सिर्फ इनका 100 करोड़ का वैल्यूएशन है, और ये कंपनी दोस्तों 1,00,000 करोड़ का वैल्यूएशन बनाने का दम रखती है यहाँ से। जी हाँ दोस्तों, बात करें पॉलिसी बाजार की, पहली कंपनी है पॉलिसी बाजार जिसका IPO 21 में मोस्ट प्रॉबली आ सकता है। तो बात करें पॉलिसी बाजार की, तो देखिए बेसिकली एक इंश्योरेंस कंपैरिजन वेबसाइट थी ये, लेकिन लेटली इन्होंने जो है अपना इंश्योरेंस सेलिंग ऑपरेशंस भी चालू कर दिया, और एक ग्लोबल फिनटेक कंपनी है। कहीं ना कहीं दोस्तों आपने भी जो है इसमें कहीं ना कहीं इंश्योरेंस आपने कंपेयर किया होगा, हर कोई एक ना एक बार तो इस वेबसाइट पर ज़रूर जाता होगा इंश्योरेंस कंपेयर करने, और इवेंचुअली वहाँ से कुछ ना कुछ इंश्योरेंस जो है ख़रीद के या फिर डिसाइड करके अपने लिए परचेस करता ही होगा। ये बेसिकली देखिए लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, मोटर इंश्योरेंस, ट्रैवल इंश्योरेंस एंड कई तरह के दूसरे इंश्योरेंस प्लान्स जो हैं दोस्तों यहाँ पर उनका कंपैरिजन करते हैं एंड सेल करते हैं। तो ज़बरदस्त एक स्टार्टअप है, ज़बरदस्त बिजनेस मॉडल है, और इंश्योरेंस बेसिकली इनका जो काम है वो इंश्योरेंस कंपैरिजन का, इंश्योरेंस सेलिंग का है। और इंश्योरेंस का बिजनेस दोस्तों यहाँ से कितना बढ़ने वाला है ये मैं आपको अपने पुराने वीडियोज़ में बहुत बार बता चुका हूँ, और आपको ज़रूर इस पर नज़र रखनी चाहिए। ये IPO में दोस्तों डेफिनेटली अप्लाई करना ही है, और अक्षय कुमार जी इसकी ब्रांडिंग ब्रांड एम्बेसडर हैं, आपको पता होगा, कपिल शर्मा भी एक बार कर चुके हैं। तो ये है पहला IPO पॉलिसी बाजार। बात करें दूसरा IPO की, वो है जोमेटो। इसके बारे में दोस्तों आपको पता ही होगा, तो जोमेटो बेसिकली एक फूड डिलीवरी स्टार्टअप है, और इन्होंने दोस्तों पार्टनर कर रखा है मतलब ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी रेस्टोरेंट इन इंडिया। देखिए 24 देशों से 24 कंट्रीज में इनका जो है प्रोडक्शन है, सर्विसेज है, और 10,000 सिटीज़ को ये कवर करते हैं, और इनका जो एक्सपेंशन प्लान है दोस्तों बहुत ही अग्रेसिव है। आपको पता होगा इन्फो एज यानी जो naukri.com है उसने इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है, तो आपको पता होगा कितनी बड़ी एक यहाँ पर जो है यहाँ से जो है ग्रोथ दिख रही है दोस्तों इस कंपनी की, और जिस प्रकार का इसका बिज़नेस मॉडल है और फूड डिलीवरी के बिज़नेस में है, यहाँ से दोस्तों ये बहुत बड़ी कंपनी हो सकती है। और इसका जो है अगर मैं मार्केट कैप आपको बताऊँ तो करीब करीब 4 बिलियन का है फ़िलहाल, तो मतलब 400 करोड़ के आसपास। तो यहाँ से दोस्तों कितनी बड़ी हो सकती है ये आपको अंदाज़ा लगाना चाहिए, और जिस प्रकार का बिज़नेस मॉडल है हम सब कुछ ना कुछ ऑर्डर करते ही हैं, तो जोमेटो ही है दोस्तों एक जो पहली लिस्ट होने जा रही है, एक दूसरी है स्विगी। तो जोमेटो और स्विगी ये दो ही प्लेयर हैं, और ये दोस्तों दोनों कवर करते हैं सारा जो है मार्केट शेयर यहाँ पर इन्होंने ले रखा है। तो ज़बरदस्त IPO ये भी आने वाला है, और डिजिटल मार्केटिंग भी दोस्तों ज़बरदस्त तरीके से अब जोमेटो कर रही है। आपको पता होगा हर ऐड में आपको जोमेटो का ऐड कहीं ना कहीं जो है हर सोशल मीडिया पे जोमेटो का ऐड दिख रहा होगा। तो ये ज़बरदस्त दोस्तों यहाँ पर जो है बिज़नेस मॉडल है और कंपनी है जोमेटो। तो ये था दूसरा IPO जो 2021 में आएगा। अब यह है दोस्तों तीसरा डिलीवरी, और ये क्या है बेसिकली एक इंडियन डिलीवरी कंपनी है दोस्तों जो डिलीवर करती है पार्सल्स को। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों इसमें जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं उन्होंने, और इसका भी मार्केट कैप मैं बता दूं आपको करीब करीब 100 करोड़ के आसपास है इसका वैल्यूएशंस आज के टाइम में, और इसमें बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं जिसने अपने पैसे लगाए हुए हैं, जिन्होंने जो ऑलरेडी इसमें इन्वेस्टेड हैं। जैसे मैं आपको बताऊँ एक कार्लाइल ग्रुप है बहुत बड़ा दोस्तों यहाँ पर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, और
टाइगर ग्लोबल है, टाइगर ग्लोबल भी है यहाँ पर, देखिए टाइगर ग्लोबल से भी पैसा जो है फंड रेज किया था जोमेटो ने, तो इसमें टाइगर ग्लोबल भी इन्वेस्टेड है, फोसुर इंटरनेशनल का आपने नाम सुना होगा, तो ये बड़े बड़े ग्रुप्स है इसमें ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं। तो अब हमारे पास अपॉर्चुनिटी आ रही है ऐसे IPOs में इन्वेस्ट करने के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए ज़बरदस्त पैसा इनमें बनता हुआ दिख रहा है। बिजनेस मॉडल देखिए, कंज्यूमर फेसिंग बिजनेस जितने भी होते हैं दोस्तों सब खतरनाक होते हैं, सब मल्टीबैगर आपको जो है वेल्थ बनाने का दमखम रखते हैं। और इसकी अगर मैं आपको कैपेसिटी का बताऊं तो इसकी कैपेसिटी देखिए 10 लाख पार्सल से ज़्यादा रोज के बता रहा हूँ मैं, 10 लाख पार्सल से ज़्यादा की इनकी कैपेसिटी है पर डे की प्रोसेस करने की, और 75 से 80 के आसपास इनके वेयर हाउस जो है पैकिंग वेयर हाउसेज हैं, 2500 डिलीवरी सेंटर्स हैं इनके, और 40,000 से ज़्यादा इनके पास एम्प्लॉयज़ हैं। तो बहुत बड़ी कंपनी है दोस्तों, आपने ज़रूर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऑर्डर किया होगा, तो आपके पास ज़रूर डिलीवरी से पार्सल्स आते हैं। अगर आपने नोटिस नहीं किया होगा तो ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि एज ए इन्वेस्टर्स हमको ये सिर्फ चीज़ नोटिस करना बहुत ज़रूरी है। तो ये था दोस्तों तीसरा, अब बात करें चौथे की, तो ये है नायका। नायका दोस्तों एक ई कॉमर्स कंपनी है, ई कॉमर्स इंडस्ट्री को बिलोंग करती है, और ई कॉमर्स का जो ग्रोथ है दोस्तों ये किसी से छुपा हुआ नहीं है, कितना खतरनाक इसका ग्रोथ है। करीब करीब $300 बिलियन की कम जो है यहाँ पर मार्केट वैल्यू हो चुकी है इस बिज़नेस की, अगर हम ई कॉमर्स की बात करें इन पर्टिकुलर। तो इंडियन रिटेलर है दोस्तों ये ब्यूटी वेलनेस और फैशन प्रोडक्ट्स का नायका, और आपको बताऊँ इसमें आलिया भट्ट ने भी दोस्तों पहले से इन्वेस्टेड कर रखा है, आलिया भट्ट इसकी ब्रांड एम्बेसडर भी रह चुकी है, तो यहाँ पर अच्छा खासा एक इन्वेस्टमेंट कर रखा है आलिया भट्ट ने। और इसके जो ब्रांड्स है दोस्तों 3 लाख प्रोडक्ट्स से ज़्यादा के जो है, 3 लाख प्रोडक्ट्स है इसके, करीब करीब 1500 ब्रांड्स के दोस्तों यहाँ पर जो है 1500 ब्रांड्स है इसके, तो ज़बरदस्त है नायका। और ये भी एक यूनिकॉर्न कंपनी है, 100 करोड़ से ज़्यादा का इसका वैल्यूएशंस है, और जिस प्रकार का इसका बिजनेस मॉडल है दोस्तों ये आगे ग्रो करने ही वाला है, चाहे आप विमेन ग्रूमिंग की बात करें चाहे मैन ग्रूमिंग की बात करें, हर तरह के प्रोडक्ट्स रेंज में ये केटर करते हुए दिखते हैं। तो ये भी ज़बरदस्त एक IPO होने वाला है, स्टार्टअप है ज़बरदस्त, और अच्छा खासा दोस्तों यहाँ पर जो है इसने ग्रो किया है। अब बात करें फ्लिपकार्ट की, देखिए ये है पांचवा, फ्लिपकार्ट का दोस्तों IPO होने वाला, आपको पता होगा वन ऑफ दी मोस्ट वैल्यूड स्टार्टअप की आप बात करें तो फ्लिपकार्ट है। करीब 4 लाख की कैपिटल से सचिन बंसल और इन्होंने ये स्टार्ट किया था, तो आज देखिए करीब कितने डॉलर, करीब करीब मान के चलिए आप 300-2400 करोड़ से ज़्यादा का इनका वैल्यूएशंस होगा, आई माइट बी रॉन्ग दोस्तों यहाँ पर वैल्यूएशंस में, लेकिन हाँ करीब करीब इनका 20 बिलियन मतलब 2000 करोड़ से ज़्यादा का इनका जो है वैल्यूएशंस है आज की डेट में, 4 लाख से 2000 करोड़। अब दोस्तों वॉलमार्ट ने इसको जो है ख़रीद लिया है फ्लिपकार्ट, अब आपको पता होगा मार्केट शेयर की मैं बात करूँ तो फ्लिपकार्ट करीब करीब 40% का मार्केट शेयर रखता है दोस्तों ई कॉमर्स में इंडिया में, और अमेजोन करीब करीब जो है 30-35 के आसपास रखता है। अब इसका जो है मिंत्रा भी है, जबोंग भी है, उसका मिला के मार्केट शेयर इसका दोस्तों यहाँ पर जो बहुत बड़ा हो जाता है, और ई कॉमर्स का मार्केट साइज़ और मार्केट पोटेंशियल दोस्तों जो ग्रोथ पोटेंशियल है बहुत ज़्यादा है, और जिस प्रकार का ये बिज़नेस मॉडल है ये तो ग्रो होने ही वाला है, इसमें कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए दोस्तों आपको। कंज्यूमर फेसिंग बिजनेस है, और कंज्यूमर फेसिंग बिजनेस और जितने भी डिजिटल प्लेटफॉर्म ओरिएंटेड बिजनेस होते हैं दोस्तों वो तो ग्रो होने ही होने हैं, ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो ये 5 स्टार्टअप है जो 2021 में आने वाले हैं दोस्तों, हर के लिए आपको रेडी रहना है, किसी में भी नहीं चूकना है। यहाँ पर हम सारे IPOs को कवर करेंगे वैल्यूएशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो और जिसके फंडामेंटल्स होंगे, जितने भी तरह के जितना हम आज तक करते आए हैं दोस्तों डिटेल में डिस्कस करते हैं आपके साथ, वैल्यूएशंस पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस मॉडल पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको बता ही दिया, और भी जितने भी पैरामीटर्स होते हैं किसी IPO को देखने के, IPO को एनालाइज करने के, तो पूरा आपके साथ कवर करने वाले हैं दोस्तों। तो हमारे साथ 2021 में भी बने रहिएगा, यहाँ पर बहुत ज़्यादा वेल्थ क्रिएटिंग ईयर हो सकता है ये, तो यहाँ पर नॉलेज लेते रहिए दोस्तों और हमारे साथ बने रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए, आपके कोई भी डाउट है क्वेश्चन है तो कमेंट करके ज़रूर पूछिए, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।